हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। तो ये लेक्चर है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी का। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर से नेटवर्क टोपोलॉजीज। एंड कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज़ नेटवर्किंग की, क्योंकि आप लोगों की हाई डिमांड थी। एंड दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बिना बोले अब तो ये बात होनी चाहिए, है ना। और क्वेश्चंस भी आने वाले हैं इसके बाद में, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में मैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, और जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए फिर, हाँ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टोपोलॉजीज़ के साथ में, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के साथ में। चलिए और देखिए क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बट पढ़ने से पहले थोड़ा सा साइड में चले जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसको समझने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरी एक क्लास है, उस क्लास के अंदर काफ़ी सारे बच्चे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे, आप हिसाब लगा लो कि 5 बच्चे हैं, मान लीजिए 3, 2, 5। तो मैं क्या करती हूँ, अब मेरे पास में एक टास्क है कि इन 5 बच्चों को मेरी क्लास में बिठाना कैसे, ठीक है। सो मैं कहती हूँ कि चलिए आज इन बच्चों को ऐसे बिठा देते हैं, मतलब इस तरीके से डायगोनल के अंदर मैं इन बच्चों को कुछ इस तरीके से बिठा सकती हूँ, मैं इस तरीके से किसी मतलब इनको बिठा सकती हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे वे हैं, ठीक है। यहाँ दोनों बैठेंगे, यहाँ दो बैठेंगे, यहाँ दो बैठेंगे, फिर यहाँ दो बैठेंगे। तो यानी कि इनको मैं किस तरीके से अरेंज करवा रही हूँ। तो अब इन बच्चों की जगह पर एक एग्जाम्पल लीजिए किसका, कंप्यूटर्स का। सो देखिए मेरे पास काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं, अब मैं उनको किस तरीके से अरेंज करवाती हूँ, किस तरीके से उनका आपस में कनेक्शन है जो इस्टेब्लिश हो पाएगा, किस तरीके से वो बैठेंगे का मतलब है किस तरीके से वो उनका सेटअप है जो करूँगी, तो वही हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी है, ठीक है। देखिए उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, कि जैसे मान लीजिए मैंने एक बिज़नेस जो है स्टार्ट किया है, तो मेरे ऑफिस के अंदर 10 कंप्यूटर आ चुके हैं। अब ऐसा तो नहीं कि कंप्यूटर आगे मैंने जो है काम करना उनको चला करके स्टार्ट कर दिया, नहीं जी नहीं। वो कंप्यूटर्स उनको कहीं ना कहीं प्रॉपर प्लेस पर रखना पड़ेगा, सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे बिल्कुल, क्योंकि ऑफिस का काम है, किसी भी कंप्यूटर से कोई भी ज़रूरत मुझे पड़ सकती है, कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर से मुझे कमांड देनी पड़ सकती है प्रिंटर को। तो यानी कि यहाँ पर एक टोपोलॉजी यूज़ होगी बेसिकली। तो वो जो टोपोलॉजी यूज़ होगी तो वो कौन सी यूज़ होगी, ये ज़रूरत के हिसाब से है जो बेसिकली होगा, ठीक है। सो कहता है कि इट रेफर्स टू द जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स, नोड्स यानी कि कंप्यूटर, इन लैन, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अ टोपोलॉजी। जैसे कि अगर हम बात करें क्राइटेरिया, तो हम देखें बेसिकली देखेंगे कि मैं कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करूँगी। तो बेसिकली मैं सोचूँगी कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, फ्लैक्सीबल होनी चाहिए, कि मैं अपने अकॉर्डिंग उसको कल को चेंज करूँ। ऐसा नहीं कि मैंने मान लीजिए आज एक रेंट पर जो ऑफिस लिया और अब मेरे को दूसरी जगह ले जाने के लिए ऑफकोर्स दिक्कत आ रही है, बट इतनी भी नहीं आ रही, फ्लैक्सीबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। कोई नई नोड वगैरह जोड़ना है या कंप्यूटर नया सेटअप बढ़ाना है तो वो भी इजी हो, ठीक है। फॉल्ट वगैरह हो तो वो भी मुझे पता चल जाए उसके अंदर। तो मैं ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सारे क्राइटेरियाज़ को ध्यान में रखते हुए मैं नेटवर्क टोपोलॉजी को बेसिकली है जो चूज़ करूँगी, ठीक है। तो अब टोपोलॉजी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और पहली टोपोलॉजी आपके पास में लेकर के आते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, तो देखिए ये कुछ डायग्राम से आपको दिखाई दे रही है ना, तारे सितारे से, ये तारे सितारे नहीं, ठीक है, ये हमारी टोपोलॉजीज हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ कह लो कि जो है हमारी स्टार टोपोलॉजी, इसमें हब होता है बीच में या स्विच कह लीजिए, ये हमारी जो है बस टोपोलॉजी एंड प्लस हमारी स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन, जो कि इक्वल्स टू हमारी होती है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ये हमारी बस टोपोलॉजी होती है, बस की तरह इसमें जो है हमारे कंप्यूटर्स अरेंज होते हैं। ये कुछ रिंग टोपोलॉजी का एग्जांपल है और ये हमारा मैश टोपोलॉजी का एग्जांपल है। चलिए इनको हम लोग देखते हैं बारो बारी क्या है इनके नाम। ये हमारी कुछ होती है बस टोपोलॉजी, ये हमारी होगी कुछ स्टार टोपोलॉजी, ये हमारी होगी रिंग टोपोलॉजी, ये कुछ होगी हमारी ट्री टोपोलॉजी, और ये हमारी किसका एग्जांपल है, मैश टोपोलॉजी का एग्जांपल। सो बिल्कुल आपको डायग्राम देख करके नाम इनके पता चल जाएंगे जैसे ही आप इसके अंदर काम करना स्टार्ट करोगे बेसिकली। चलिए बस टोपोलॉजी का एग्जांपल लेते हैं। तो बस टोपोलॉजी बेसिकली क्या होगा कि इसमें बस की शेप में होंगे हमारे सारे के सारे कंप्यूटर, मैम बस की शेप में होंगे। जैसे कि आप सोचिए कि एक अगर यहाँ पर मान लीजिए एक बस है, तो बस में क्या होता है, इधर भी एक सवार सीट होती है, इधर सीट होती है, इधर सीट होती है, इधर सीट होती है, इधर सीट होती है, बीच में क्या होता है,
एक लाइन होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से है जो हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ में। तो ये क्या होगा, बीच में हमारी कह लो कि एक कोएक्सियल केबल या कोई भी हम फाइबर ऑप्टिकल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये हमारी केबल होगी जिसको हम बैकबोन बोलेंगे बेसिकली, ठीक है। और उसके साथ में सारे के सारे कंप्यूटर्स या प्रिंटर्स हैं जो कनेक्टेड होंगे उस एक मेन वायर के साथ में, जिसको हम बैकबोन यहाँ पर बोलेंगे। तो देखिए कहता है यहाँ पर, इसकी थ्योरी हमने लिखी हुई है, ठीक है, बाकी आप इसकी थ्योरी जो है आपको समझ में आ जाएगा तब भी आप इसकी लिख लेना, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को मैं आपको समझाती हूँ, अब हम बस के साथ में स्टार्टिंग कर रही हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बीच में होती है आपकी एक बैकबोन, ठीक है, एक कह लो कि भाई एक केबल होती है, ठीक है। अब उसके साथ में जो है हमारे सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, उसके दोनों जो एंड हैं वहाँ पर आपके पास टर्मिनेटर्स लगे होते हैं, और इस तरीके से एक एक कंप्यूटर को उसके साथ में कनेक्ट है जो किया जाता है, कुछ इस तरीके का आप कह लो एक पिक्चर या डायग्राम है जो बेसिकली बना होता है किसका, बस टॉपोलॉजी का। बीच में बैकबोन, बैकबोन के ऊपर अब हमने अपनी फ़ोटो लगा ली है। तो यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए कि हर नोड जो है इस तरीके से कनेक्टेड, और इधर उधर क्या होते हैं टर्मिनेटर्स होते हैं आपकी प्रोसेस को एंड करने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने मान लीजिए ये सिस्टम एक हटाया, मतलब ये सिस्टम में कोई ख़राबी आ गई थी या फिर मुझे ये सिस्टम हटाना है, तो मैंने इसको सिंपली हटा लिया, बाकी का जितना भी है इसके ऊपर कोई भी जो असर है जो नहीं हुआ बेसिकली, है ना। बाकी कोई भी अगर कह लो कि इसके ऊपर कोई भी इतना जो है किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि कोई नई नोड जुड़ी है या हटी है, ठीक है। सो अब इसके अंदर क्या होगा, अगर हमने जोड़ना है नया नोड तो भी हम बेसिकली जोड़ सकते हैं, नोड मतलब कंप्यूटर का एग्जांपल है। मान लीजिए इसमें भी कोई ख़राबी हो जाती है, ठीक है, इसमें कोई ख़राबी हो जाती है तो पहली चीज़ कि इसमें ख़राबी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसमें, बस टॉपोलॉजी के अंदर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पता नहीं चलता है कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, बैकबोन ख़राब है या फिर सिस्टम ख़राब है, और ख़राब है भी तो कौन से वाला ख़राब है। तो ये इसमें बड़ी एक दिक्कत है जो हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए इसमें हमें पता चल जाता है कि इसमें कोई ख़राबी है, सो अब हम उसको इजीली हटा सकते हैं, कहने का मतलब है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कह दें कि हमारी जो बीच में बैकबोन है उसी को हमने यहाँ पर हटा दिया या फिर वही ख़राब हो गए, तो आपस में ये लोग कैसे हैं जो कनेक्ट कर पाएंगे, मतलब कितनी जितनी भी नोट्स हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट होंगे। सो आपस में उनको कनेक्शन के लिए बड़ा ही दिक्कत है जो आ जाएगी, है ना। सो कहने का मतलब है बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर कि जो हमारी बैकबोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेन रोल यहाँ पर प्ले करती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वन वे रूट कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पर कि जैसे हमने ना डेटा ना यहाँ से मान लीजिए इस नोड से मैं डेटा कुछ इस तरीके से इस नोड में भेजना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से आपका डेटा स्टार्ट हुआ चलना, तो अब बीच में इसको डेटा कुछ इसको भेजना है, ठीक है, ये आपस में कनेक्शन करना चाहते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये वेट करेंगे तब तक, ठीक है, जब तक ये प्रोसेस फिनिश नहीं हो जाती। तो ये डेटा यहाँ से गया और यहाँ पर आकर के इसको मिल गया, अब टर्मिनेटर्स क्या करेंगे, उस प्रोसेस को एंड करेंगे, इनके एंड करते ही ये अपना जो है भेजेगा और फिर ये इसके पास आएगा। तो यानी कि एक बार में एक ही डेटा है जो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, एक बार में एक ही डेटा है जो ट्रांसफ़र हो सकता है। मान लीजिए इसको इसको अभी भेजना है, सो पहले ये प्रोसेस फिनिश होगी फिर ये अपना डेटा है जो ट्रांसफ़र कर सकता है, नहीं तो कॉलिजन नहीं हो जाएगा क्या, उधर से भी डेटा इधर से भी डेटा, टकरा गया डेटा और फिर मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं, है ना। सो फिर तो कॉलिजन ही होते रहेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, बस टॉपोलॉजी का बेसिकली एग्जाम्पल हो गया। तो आगे चलेंगे इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात चलिए कर लेते हैं। तो देखिए फ़ायदों में फ़ायदा देखेंगे तो इट्स ईजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर इन अ लीनियर बस, ठीक है, लीनियर मतलब एक सीधा सीधा हमारी जो है बहुत ईजी है कंप्यूटर, उसको जस्ट आपको लाना है उसको कनेक्ट करना, एक्सपेंसिव है नहीं ज़्यादा, ठीक है, रिक्वायर लेस केबल, ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है, एक मेन केबल आपकी पहले से लगी होती है, आपको एक तार और एक कंप्यूटर चाहिए होता है, जोड़ो। कहता है कि इंटायर वॉक्स शट अगर हमारी जो है मेन केबल यानी कि हमारी बैकबोन है वही हमारी ख़राब हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल इसका ध्यान रखना पड़ेगा मेन केबल का, अगर ये चली गई तो सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, फिर तो बस टॉपोलॉजी रहेगी नहीं, है ना। सो देखिए टर्मिनेटर्स दोनों एंड पर यहाँ पर लगे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक बार में एक प्रोसेस जाएगी तो वो एंड होगा फिर दूसरी प्रोसेस आ पाएगी। डायग्नोसिस इज़ डिफ़िकल्ट, है ना। सो मान लीजिए एक नेटवर्क ख़राब हो जाता है यहाँ पर, सो अब यहाँ पर क्या होता है कि दिक्कत समझ में नहीं आती कि यहाँ दिक्कत है कि बैकबोन में है या किस कंप्यूटर के अंदर है,
ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका डेटा है लेकिन यहाँ से यहाँ भेजना है, बीच में मान लीजिए ख़राब हो गया, ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये नहीं समझ में आएगी कि यहाँ से डेटा क्या बैकबोन में ख़राबी है इसलिए यहाँ तक नहीं पहुँच रहा, या बीच में ये कोई ख़राबी कर रहा है, है ना। सो चलिए, सिक्योरिटी भी लो होती है क्योंकि बीच में मान लीजिए डेटा यहाँ से यहाँ जाना है, ये अगर सिस्टम है सो डेटा आपका यहाँ से इसके पास भी है जो ट्रांसफ़र हो सकता है, सो सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सो बाकी आप यहाँ पर अपने नोट्स हैं जो अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। कहता है कि बस टॉपोलॉजी में सारी की सारी नोट्स हैं वो बैकबोन के साथ कनेक्टेड होती हैं, इट सेंड द सिग्नल्स टू द बैकबोन। If any node has to send some information to another, तो वो क्या करेगा आपके जो है, it send the signals to the backbone. तो backbone के through ही है जो आपका data है जो एक जगह से दूसरी जगह पर transfer हो पाएगा। So अगर आप एक overview पूछोगे यहाँ पर, तो overview के अंदर बताएंगे कि होगा क्या कि भाई आपकी जो है एक जगह से दूसरी जगह पर आपका जो data जाना है यहाँ से यहाँ तक, वो backbone के through जाएगा, ठीक है। सो देखिए, अब ये देख क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ से डेटा आपको यहाँ पर भेजना था, तो वो जाएगा सबके पास, लेकिन रिसीव किसके थ्रू होगा, ये रिसीव कर लेगा क्योंकि भेजा इसको गया है। तो अब जैसे ही प्रोसेस ख़त्म होगी तो टर्मिनेटर दोनों एंड पर इस प्रोसेस को खाली मतलब जो है एक तरीके से कह लो कि एक तरीके से फिनिश कर देंगे, ताकि क्या हो, अगली जो प्रोसेस है, अगला जो डेटा ट्रांसफ़र होना है उसके लिए उस पाथ को फ्री है जो किया जा सके, ठीक है। नहीं तो वो दूसरा जो कंप्यूटर है वो आपका डेटा नहीं भेज पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी मैंने आपको बोल करके बता ही दिया। अब चलिए अगला यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, और जो कि है हमारा स्टार टॉपोलॉजी का एग्जांपल। यहाँ पर स्टार टॉपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि बीच में हमारा एक हब होता है और उससे सारे के सारे कनेक्टेड हैं जो बेसिकली होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, सो चलिए फिर देखते हैं इसको। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। स्टार ऐसा नहीं कि कुछ तारा यहाँ पर बनता है, तो इसको बनाने की कोशिश यहाँ पर बेसिकली की गई है कि आपका हब है, ठीक है। एक सेकंड, पेन चेंज करने दीजिए। जैसे ये हमारा हब है और इसके साथ में सारे के सारे हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं बेसिकली, है ना। एक से एक सारे के सारे प्रिंटर, कंप्यूटर, एवरीथिंग, दे ऑल आर कनेक्टेड। तो अभी बेसिकली वो तो एडवांटेज डिसएडवांटेज रहेंगे ही जो हमारे स्विच और हब वाले थे, है ना। तो ये एक मुझे स्टार की तरह है जो बेसिकली दिखाई दे रहा है, मतलब एक सिंगल आपके पास स्विच है और सारे सारे उसके साथ कनेक्टेड हैं, जितने भी उसके अंदर पोर्ट हैं जो बेसिकली लगे हैं, ठीक है। तो इसको समझेंगे, तो ये हमारा हब या स्विच है। पहला अगर नोड इसके साथ कनेक्टेड है, दूसरी कनेक्टेड है, तीसरी, चौथी, जितने भी नोड्स, जितने भी पीछे पोर्ट लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये कनेक्टेड है। अब चलिए इसमें देखते हैं कि भाई ये जो मान लीजिए ये ख़राब हो जाता है, मान लीजिए ये जो हमारे पास में नोड है ये एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से ख़राब हो जाती है। अब क्या होगा कि अगर ये ख़राब हो गई तो हम सिंपली इसकी तार निकालेंगे और इसको हटा देंगे, किसी के ऊपर भी इसका कोई भी असर नहीं होगा, ठीक है। किसी के भी ऊपर इसका कोई भी असर है जो हमें नहीं होने वाला। अब मुझे अगर नई जोड़नी थी यहाँ पर कोई नया कंप्यूटर ला करके, सो दैट आई कैन डू सिंपली, ठीक है। सो अगर मान लीजिए मेरा बीच में हब ही जो ख़राब हो जाता है, सो उस वक्त क्या होगा, मान लीजिए ख़राब हो गया, इसको हटा दिया, तो अब कनेक्शन क्या बन पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो यानी कि अगर अब डेटा को भेजना है तो वो नहीं भेज पाएंगे। सो हमारे हब का यहाँ पर होना ज़रूरी है। सो हब ख़राब तो यानी कि सारा सिस्टम ही ख़राब। सो अब देखिए आपको जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आई थिंक आप खुद लिख सकते हो अब तो एडवांटेज डिसएडवांटेज, है ना। तो देखिए कहता है कि इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल। सो इफ़ वन नोड फेल्स नेटवर्क स्टेज स्टेबल, बिल्कुल एक नोड अगर ख़राब हो भी जाती है तो उसका दूसरों पर कोई असर नहीं होता है। कनेक्टिंग और रिमूविंग devices doesn't affect the network, बिल्कुल अगर नया डिवाइस जोड़ना है या फिर आपको किसी पुराने को हटाना है तो ये जो कनेक्शन और रिमूविंग वाला है जो devices वाला वो ईजी है, किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं डाल रहा है, ठीक है। सो कहता है डायग्नोस इज़ ईजी, मतलब अगर मान लीजिए एक कंप्यूटर के अंदर कोई भी खराबी जैसे इसमें आ गई थी, तो अब ये ईजी है कि क्योंकि इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इजी है, यहाँ पर इसका जो है हम इसको ढूंढ सकते हैं, बेसिकली कहने का मतलब है कि इसके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। हब ख़राब हो गया तो भी हमें पता चल जाएगा क्योंकि सारे सिस्टम ही शट डाउन हो जाएगा, मतलब चलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। लेकिन अगर एक सिंगल के अंदर है तो वही खराबी करेगा, वो दूसरों पर कोई असर बेसिकली डालेगा नहीं, है ना। तो अगर इसके डिसएडवांटेजेस में देखते हैं तो कहता है कि रिक्वायर मोर केबल, हाँ ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत पड़ती है
है ना. अब कहता है कि बस इतनी भी नहीं पड़ती, बट आप इसको लिख सकते हो इसके डिसएडवांटेज में. इफ़ हब स्विच कनेक्टर आर फेल, यस ये तो डिसएडवांटेज रहेगा ही रहेगा. कि अगर मान लीजिए बैकबोन भी था पिछली बार हमारी बस के अंदर, अगर वो ख़राब हो जाता है तो सारा सिस्टम शट डाउन. वैसे ही यहाँ पर भी है. अगर सारा दारोमदार किसके ऊपर, हब या स्विच या कनेक्टर है जो भी उसके ऊपर है, तो अगर वो ख़राब तो सब कुछ ख़राब है ना. सो हाँ, ये एक्सपेंसिव है. अगर लीनियर टॉपोलॉजी यानी कि हमारी बस टॉपोलॉजी की बात करें तो उसके मुकाबले दैट इज़ एक्सपेंसिव. तो इसमें जो है आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. और ये आपके नोट्स हैं तो आप इनको अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है. वैसे मैंने आपको बोल करके बता दिया. आगे चलिए हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं बस और स्टार टॉपोलॉजी का, जो कि हमारी बनती है कुछ ट्री टॉपोलॉजी, ठीक है. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी टॉपोलॉजी है जो टॉपोलॉजी को मिलकर के बनाई जाती है, तो दैट इज़ योर ट्री टॉपोलॉजी. इसके अंदर आपकी बस भी यूज़ होती है और आपका कौन यूज़ होता है, ये स्टार भी यूज़ है जो बेसिकली होता है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर यानी कि बस एंड द स्टार टॉपोलॉजी, ठीक है. चलिए बड़े बड़े ऑफिसेज के अंदर इसका जो है यूज़ किया जाता है. तो कुछ इस तरीके से है. बीच में देखिए ये हमारी बैकबोन है. मान लीजिए ये क्या है, हमारी एक जो है मेन वायर है. ये हमारी बस टॉपोलॉजी का एग्जांपल है. और इससे ये वाला कनेक्शन जुड़ा हुआ है और इससे ये वाला है. तो ये ट्री की शेप नहीं आ रही यहाँ पर. एक बड़े ऑफिस की बात कर लेते हैं. यहाँ पर ये हमारी बैकबोन केबल है. यहाँ पर टर्मिनेटर लगे हुए हैं और ये सब आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है. सो इसमें भी क्या होगा, बेसिकली आपके पास में ये बीच में बैकबोन है और इधर उधर उसके टर्मिनेटर लगे हुए हैं. अब आप जो है एक इधर ऑफिस का सेटअप है, एक इधर 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 है ना. सो सारे के सारे ऑफिस के सेटअप्स यहाँ पर है जो बेसिकली लगे हुए हैं इसके चारों. अब क्या होता है, मान लीजिए एक ऑफिस में कोई भी गड़बड़ हो जाती है, किसी एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए कोई दिक्कत आ जाती है, ठीक है. सो अगर मान लीजिए उनके कोई भी खराबी है तो उसका जो है असर बाकियों पर बेसिकली होगा नहीं, ठीक है. बाकियों पर बेसिकली इतना नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत ये आती है कि प्रॉब्लम ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. जैसे बस वाले अपने रहेंगे, बस के अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए बीच वाला ख़राब हो जाता है ना, ठीक है. तो यहाँ इधर से इधर जो डेटा जाएगा ना, तो बिल्कुल उसके अंदर थोड़ी तो दिक्कत है जो आएगी आएगी, ठीक है. थोड़ी तो दिक्कत है जो बेसिकली आएगी आएगी. स्टार के अंदर ऐसा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्टार आपका इंडिविजुअल ही है, ठीक है. तो यहाँ पर आपको दिक्कत थोड़ी बहुत आ सकती है. और इसमें ये भी प्रॉब्लम रहती है कि भाई बैकबोन ख़राब है या फिर कुछ और ख़राब है, तो ये थोड़ा सा ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ऐसा नहीं कि आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, प्रॉब्लम कर पाओगे, लेकिन स्टार में ये चीज़ जल्दी हो जाती है. तो मान लीजिए इसमें कोई भी एक्स वाई जेड दिक्कत है, तो अब इसको हमने हटा दिया, ठीक है. अब अगर मान लीजिए हमारी बैकबोन ख़राब हो जाती है, तो बिल्कुल वो अंदर तो काम करते रहेंगे खुद सारे के सारे, लेकिन अगर इनको इनके साथ कोई भी ट्रांसफ़र करना है कोई भी चीज़, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी. तो यानी कि इनका अंदर अपना सेटअप चलता रहेगा. बैकबोन ख़राब है तो यानी कि वो आपस में कनेक्शन जो अदर है जो नहीं कर सकते, बट अंदर इनका सेटअप चलता रहेगा. तो बेसिकली व्हाट इज़ नीडेड हेयर, नीडेड आपके पास में आपकी यहाँ पर बैकबोन है. तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये एक बैकबोन है, चारों जो है अलग अलग ऑफिस है, सो सबके साथ में ये कनेक्टेड है. पहला अगर इसका एडवांटेज देखते हैं तो बेसिकली क्या होगा, सिक्योरिटी हाई होगी, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसेज के अंदर इसका यूज़ है जो होता है. और अगर हमें और लीफ यानी कि मान लीजिए हमें और ऑफिस बढ़ाना है, सो हम उसको भी इजीली है जो इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है. यानी कि उधर स्टार होगा और उसको उस मेन जो बैकबोन वायर है उसके साथ में जोड़ना होगा. सो ये क्या करती है, पॉइंट टू पॉइंट, इट यूजेस पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट. तो देखिए अगर मान लीजिए इधर आपका कोई एक ऑफिस है और इधर हमारी बैकबोन है, तो हम उसको इजीली है जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है जो जोड़ सकते हैं. और इसको बड़े बड़े ऑफिसेज के अंदर बेसिकली है जो इसका यूज़ है जो किया जाता है. एंड अगर आपकी बैकबोन यहाँ पर फेल हो जाती है, तो वो अंदर तो अपना काम करते रहेंगे सारे के सारे स्टार जो भी है ऑफिसेज, लेकिन वो आपस में अगर उनका कुछ भी है, जैसे इधर भी है एक ऑफिस, तो वो आपस में कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, बट ये अंदर ही अंदर तो करते रहेंगे. कहता है कि ओवरऑल केबल लेंथ इंक्रीज़, बिल्कुल, क्योंकि बड़ा ऑफिस है, हम ट्री का यूज़ कर रहे हैं, तो केबल आपकी इंक्रीज़ होगी ही होगी. अगर बैकबोन ख़राब हो जाती है तो वो आपस में आपका कनेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बस वाले डिसएडवांटेज तो रहेंगे रहेंगे. और डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पर डायग्नोज करना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है.
कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, क्योंकि बस टॉपोलॉजी के अंदर यही एक दिक्कत है कि कौन सा सिस्टम ख़राब कर रहा है, कौन से सिस्टम की वजह से डेटा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, तो ये जानना ज़रूरी है। बट यहाँ पर थोड़ा सा आप कह लो कि डिफ़िकल्ट हो जाती है वाली चीज़। बट इसके अंदर हाँ वही बात, फिर इसके अंदर जो है आपके पास स्टार टॉपोलॉजी के भी डिसएडवांटेज रहते हैं कि भाई अगर आपका हब या स्विच अंदर ख़राब हो जाए तो फिर वो किस तरीके से कनेक्ट है जो कर पाएंगे, फिर तो आप कह लो ठप हो गया पूरा नेटवर्क ही, है ना। तो ये आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे। तो ये स्टार और बस का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है जो होता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मैंने बता ही दी, है ना। चलिए अब खैर आपके ये नोट्स हैं तो आप इनको अपनी तरफ से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए खैर अब आगे चलते हैं और बात करेंगे यहाँ पर रिंग टॉपोलॉजी के बारे में, होती क्या है। चलिए एग्जांपल लेते हैं रिंग का। एग्जांपल हम लोगों ने बहुत बार रिंग है जो पहनी है। सो होता क्या है कि भाई रिंग, जैसे कि ये फ़ोटो भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक मोती है, एक मोती, एक मोती, एक मोती, 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 यहाँ पर काफ़ी सारे मोती हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना। सो देखिए यानी कि मोती मोती मिलकर के एक माला है जो बेसिकली बन रही है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए ये मोती टूट जाए तो क्या होगा, आप कहोगे कि भाई सारी मोती बिखर जाएंगे। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक नया मोती और जोड़ना है, तो यानी कि दोनों तरीकों में मुझे कोई डिफ़िकल्टी हो रही है। हाँ जी बिल्कुल हो रही है, नया मोती ऐड करना भी टफ है और किसी मोती का अगर टूट जाना तो वो भी हमारे पूरे की पूरी रिंग को ख़राब कर रहा है ना। बस यही हमारी रिंग टॉपोलॉजी, आपको ये एग्जांपल यहाँ पर याद रखना है। तो चलिए इस एग्जांपल को जिसमें मैंने मोती मोती बोला, आपको उन मोतियों को यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम है जो समझना है, और फिर आपको इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसके बारे में सोचना है, झट से आपको पता चल जाएगा। दो तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने अभी आपको बता दिए। चलिए खैर इसको पढ़ते हैं। ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू नेबर नोड। तो हर जो नोड है, नोड मतलब कंप्यूटर, अपने पड़ोसी के साथ में जुड़ी हुई है, देखिए तो सामने, ठीक है। सो डेटा इज एक्सेप्टेड फ्रॉम वन ऑफ द नेबरिंग नोड एंड इज ट्रांसमिटेड ऑनवर्ड्स टू द अनदर। तो अगर डेटा यहाँ से यहाँ आपको भेजना है तो ये इस पड़ोसी को भेजेगा, फिर इस पड़ोसी को, फिर इस पड़ोसी को, और फिर जाएगा इसके पास में यहाँ पर डेस्टिनेशन तक, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही डेस्टिनेशन तक चला जाएगा तो अब ये पूरा का पूरा आप कह लो कि एक तरीके से अब आपका ये बंद होगा और उसके बाद में नया जो है सेंडिंग वाला प्रोसेस वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कहता है कि डेटा टोकन ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शनल, हाँ एक डायरेक्शनल में, या तो देखो वैसे तो ये दोनों की डायरेक्शन में होता है, मतलब ऐसा होता है कि या तो आप अगर एक तार लगी है तो अगर वो क्लॉकवाइज है तो डेटा आप ऐसे ही भेज सकते हो, ठीक है। यानी कि डेटा आप ऐसे ही भेज सकते हो अगर क्लॉकवाइज है। सो कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए डेटा इसको भेजना है, इसने डेटा इसको भेजना, अगर ये क्लॉकवाइज लगा हुआ है तो ये ऐसे नहीं भेज सकता डेटा ये, ठीक है। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं कर सकता, तो इसको क्लॉकवाइज ही देना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, फिर ये आपका सारे जो सारे के सारे हैं बीच में उन सबको दिखता हुआ आपका डेटा, मतलब सिक्योर नहीं होगा, सबको आपका डेटा जो है शो होता हुआ जाएगा और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं है, वैसे ये दोनों तरीके से ही होती है, क्लॉकवाइज भी होती है और इधर से भी आपका डेटा हो सकता है, और कईयों में दो तारें लगी होती हैं, एक तरफ से क्लॉकवाइज और एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। सो कुछ इस तरीके से होता है। आई थिंक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अगर आ गया ओवरव्यू समझ में तो चलिए अब यहाँ पर इसको इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि जैसे एक आपके पास नोड है, फिर आपके पास में दूसरी नोड है, तीसरी नोड है, चौथी, और इस तरीके से जो है सारी नोड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ में कनेक्टेड है, तो हर पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से यहाँ फ़र्क है जो पड़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर देखो मैंने दो तारें लगाई है ना, तो एक मान लीजिए क्लॉकवाइज है, जैसे कि इसका पहले एग्जांपल समझते हैं, इसका डिसएडवांटेज समझने से पहले। तो देखिए होगा क्या कि मान लीजिए ये है आपका ए, ठीक है, और ये आपका बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है नोड। सो अब ए नोड ने डेटा इसको भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो डेटा पहले इसके पास में आएगा, फिर डेटा आपका इसके पास में जाएगा, और फिर फाइनली डेटा आपका इसके पास में पहुँचेगा। अब ये आपका स्टॉप होगा, उसके बाद में नेक्स्ट जो भी प्रोसेस करनी है, मतलब नेक्स्ट अगर किसी ने किसी को डेटा भेजना तो भेजेगा। तो मतलब अगर क्लॉकवाइज ऐसे डेटा है तो ऐसे होगा, अगर मान लीजिए ऐसे भी होने लग गया तो आपका डेटा क्या है, टकरा जाएगा, कॉलिजन हो जाएगा, तो डेटा तो किसी के पास भी नहीं पहुंचेगा ऐसे में, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है जो यहाँ पर बेसिकली हो जाता है। बट बेसिकली इसमें क्या होता है कि फास्टली आपका डेटा है जो जाता है, क्योंकि सारे जो कंप्यूटर होते हैं ना वो पास पास में कनेक्टेड होते हैं, तो जल्दी जल्दी आपका जो डेटा है फ्लो होता है,
ठीक है. सो ये बेसिकली हो गया यहाँ पर. अब हम इसके डिसएडवांटेजेस में और चीज़ देख लें. वैसे यहाँ पर दो तारें लगाई हैं. दो का मतलब है बेसिकली कि आपका क्लॉकवाइज भी है और एंटी क्लॉकवाइज भी है. तो देखिए, मान लीजिए ये अब आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया किसी भी रीज़न से. अब देखिए, एक हमारा ख़राब हो गया और इसके पास में ये दो तारें हैं जो जुड़ी हैं, और ये दो तारें इसके साथ में जुड़ी हैं. अब ये हमारी रिंग रही कि नहीं रही, मतलब एक मोती यहाँ से बिखर गया. अब ये मोती यहाँ से बिखर गया तो उसने अपने पड़ोसियों को असर डाला, और उसके पड़ोसियों ने उसके पड़ोसियों को असर डाला. तो क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा जो रिंग टॉपोलॉजी थी यहाँ पर ठप हो गई है ना. सो यानी कि कोई डेटा किसी को भी ट्रांसफ़र आप यहाँ पर कर नहीं सकते हो, यानी कि कुछ भी डेटा नहीं ट्रांसफ़र होगा, यानी कि क्योंकि ये ख़राब हो गया है ना. अब क्या होगा, इसकी जो तार है वो इसके साथ जोड़नी पड़ेगी, इसकी तार इसके साथ जोड़नी पड़ेगी, तब जा करके होगा. मतलब इसको तब इतने से हिस्से को आप है जो निकाल सकते हो. ठीक है, ऐसा नहीं था भाई आपकी जो जो थी स्टार टॉपोलॉजी की, उसमें जा करके हब से जोड़ दो, ख़राब हो गया तो हब से हटा दो. नहीं, यहाँ पर क्या है, हर पड़ोसी के साथ में जो है कनेक्टेड. एक पड़ोसी बीमार होता है तो उसके पड़ोसी बीमार होंगे, फिर उसके पड़ोसी, यानी कि फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही ठप हो जाएगा. अब अगर मान लो नई नोड आपको ऐड करनी है, तो यहाँ पर भी बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पहले क्या होगा, इस तार को काटो, फिर इसके साथ में जोड़ो, फिर इधर वाली तार जो है, मतलब ये दोनों के बीच में आएगा ना. ठीक है, तो बस बिल्कुल क्या होगा कि फिर ये इधर वाला इसके साथ कनेक्ट होगा, इधर वाला इसके साथ कनेक्ट होगा, फिर जा करके ये होगा. जैसे कि ये देखो, ये वाला है, अब ये इसके साथ भी कनेक्टेड है और इसके साथ भी है. वैसे ही अगर इसको जोड़ना है तो इसको इधर भी कनेक्ट करना पड़ेगा और इधर भी. ठीक है, तो ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है जो आपके लिए हो जाएगा. तो एक्सपेंसिव तो होगा ही होगा इस मामले में, है ना. बट ये थोड़ा पास होता है, छोटा छोटा होता है, क्योंकि बड़े दायरे के अंदर नहीं होगा. अगर आप मान लो कि इस रिंग टॉपोलॉजी में 100 कंप्यूटर हैं, तो उसका क्या फ़ायदा, है ना. फिर वो तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो तो चाहे बस भी हो तो भी फिर क्रिएट होगा प्रॉब्लम. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये एग्जांपल यहाँ पर आई थिंक समझ में आ गया होगा. तो मोती वाला एग्जांपल था ना, तो सोच लो एक मोती निकल गया तो क्या होगा, पूरी माला खराब होगी. एक मोती ऐड करना तो भी कितना डिफिकल्ट है. तो चलिए, कहता है कि ऑल दी पैकेट्स फ्लो इन वन डायरेक्शनल. हाँ, सो अगर डायरेक्शन एक है तो वो उसी डायरेक्शन के अंदर जाएंगे. ठीक है, अगर आपका एक डायरेक्शन, ओहो एक सेकेंड रुको, चल क्यों नहीं रहा ये बेसिकली पेन, एक सेकेंड ना, लेट मी चेक वंस पेन. हाँ, पेन चल रहा है अभी. तो देखिए, कहता है कि ऑल द पैकेट्स फ्लो इन वन डायरेक्शनल. ठीक है, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ पैकेट्स कोलिजन. तो यानी कि यहाँ से यहाँ आपका डेटा है जो एक तरफ जा रहा है, अगर क्लॉक वाइज है तो वो ऐसे जाएगा. तो ऐसा नहीं हो सकता कि उधर से भी डेटा आ जाए, क्योंकि फिर कोलिजन, टकराव हो जाएगा आपके डेटा का. ठीक है, और फिर डेटा किसी के पास भी नहीं पहुंच जाएगा, पहुंचेगा, है ना. सो सर्वर इज़ नॉट नीडेड टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी, क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं तो सर्वर की ज़रूरत पड़ती नहीं है. ट्रांसफ़र स्पीड इज़ गुड, इसकी ट्रांसफ़र स्पीड है जो अच्छी होती है, क्योंकि सारे पास पास होते हैं. पर नई नोड आपके लिए बिल्कुल कह लो कि डिफ़िकल्ट तो होता है नई नोड को ऐड करना, बट आप इसमें कर सकते हो अपनी नई नोड को ऐड. ठीक है, लेकिन अगर एक ख़राब हो जाए तो वो ज़्यादा असर है जो डालती है. सो डेटा ट्रांसफ़र मस्ट पास थ्रू ईच नोड विच मेक इट स्लोअर देन द स्टार टॉपोलॉजी. क्योंकि देखो, अब डेटा यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से डेटा यहाँ जाना है, तो पहले इसको दिया, फिर इसको दिया, इसको दिया. स्टार टॉपोलॉजी में क्या हो रहा था कि अगर मान लीजिए डेटा इसको ही जाना है तो वो फटाक से इसके पास जा रहा है, उसको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. बट यहाँ पर क्या है, मुझे एक सामान है जो चौथे बंदे को देना है, तो मैं डायरेक्ट नहीं दे सकती, मैं पड़ोसी को दूंगी, पड़ोसी उसके पड़ोसी को, उसके पड़ोसी को, ऐसे जाते जाते. ठीक है, सो एंटायर नेटवर्क विल बी इम्पैक्टेड इफ़ वन वर्क स्टेशन शट डाउन. ये मैंने आपको बता दिया कि अगर उस रिंग के अंदर मोती एक हमारा जो है गिर जाए, तो भाई वो पूरे मोतियों पर असर है जो डालता है. हार्डवेयर नीडेड टू कनेक्ट ईच वर्क स्टेशन टू द नेटवर्क इज मोर एक्सपेंसिव देन द हब स्विच एंड ईथरनेट कार्ड. बिल्कुल, यहाँ पर क्या है कि भाई जो है इसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट है, पहली चीज़ है ना. फिर क्या होगा कि भाई एक्सपेंसिव तो है, क्योंकि तारें इतनी ज़्यादा लगेंगी. पहले उसको एक कंप्यूटर ख़रीदा, उसको फिर इधर वाले के साथ जोड़ा, उसको फिर इधर वाले के साथ जोड़ा. अगर मान लीजिए अब उसको हटाना है तो वो दोनों तारें वेस्ट हो गई आपकी, है ना. तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यहाँ पर हो जाता है. आगे हम रिंग टॉपोलॉजी के आपके नोट्स हैं, तो आप इसको अपनी तरफ से देख लीजिएगा. अब आगे वाली टॉपोलॉजी हमारी मैश टॉपोलॉजी. तो मैश टॉपोलॉजी बेसिकली क्या होती है कि हर नोड हर किसी के साथ कनेक्टेड होती है, वन टू वन यहाँ पर होता है, एक नोड दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड है. सो ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू मोर देन वन नोड. ठीक है, एक नोड हम
हर किसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली जोड़ करके रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैश हो रहा है, तो देखिए मेरे पास में मेरे स्कूल में या ऑफिस में 4 कंप्यूटर है, तो ये इनोड इससे भी जुड़ी है, इससे भी जुड़ी, इससे भी जुड़ी। अब सेम चीज़ इसके साथ हो रही है, ये इससे भी जुड़ी है, ये इससे भी जुड़ी है, सेम चीज़ ये इससे भी जुड़ी है, इससे भी, सब एक दूसरे से हैं जो बेसिकली जुड़े हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितनी तारे हैं जो हो गई, 1, 2, 3 और 4। आपकी नोड कितनी है बेसिकली, देखो कितनी है, 4 नोड है, कंप्यूटर 4 है। सो अब ये कितनी तारे ले रहा है, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 6, 12। तो आपकी 12 यहाँ पर तारे हैं जो लग गए, तो तारे तारे हो जाएंगे उस कमरे के अंदर, है ना। चलोगे कैसे, तो जैसे एक हमने यहाँ पर एक बनाया डायग्राम, तो फुली मैश के अंदर देखो, फुली मैश दो तरीके से होता है, एक तो पार्शियली मैश होता है, एक फुली मैश होता है। इसमें देखो एक सिस्टम सबके साथ कनेक्टेड है, दूसरा सबके साथ, तीसरा सबके साथ, चौथा, पाँचवा, जितने कंप्यूटर हैं वो सबके साथ कनेक्टेड है। तभी देखो ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो गया क्या यहाँ पर, कि भाई कितना मैनेज करना, तारे ही तारे आपके पास में हो गए। तो पॉइंट टू पॉइंट होता है बेसिकली, आपका सिक्योर होता है, मोर फास्ट होता है, ठीक है। एक्सपेंसिव तो होता है क्योंकि तारे ज़्यादा होती हैं यहाँ पर, है ना। तो फालतू के सिस्टम भी ऐड होते हैं, कि जैसे मान लीजिए इन दोनों को ऐड होने की ज़रूरत थी नहीं, बट फिर भी आपने इनको ऐड कर रखा है। यहाँ पर प्रिंटर भी हो सकता था इसकी जगह पर, तो अगर इसको अथॉरिटी नहीं है प्रिंट देने की, फिर भी आपने प्रिंटर को उसे ऐड कर रखा है, क्यों, ठीक है। तो फुली कनेक्टेड में आप कह लो कि वेस्टेज भी होती है, बट एक और हमारे पास एग्जांपल है पार्शियली, जिसको जिसके साथ ज़रूरत है आप उसके साथ जोड़ो। इस कंप्यूटर को हमने सर्वर बनाना है कि भाई ये मेन हमारा है यहाँ पर, ठीक है, हमारे बॉस का कंप्यूटर है, इसको सबके साथ जोड़ दिया। बाकी अगर किसी के साथ ज़रूरत पड़ रही है तो उसको जोड़ो, नहीं पड़ रही तो मत पड़ो। ये पार्शियली कनेक्टेड है मैश, ठीक है। सो ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड, ठीक है। तो हर कोई नोड है पॉइंट टू पॉइंट है, तो बिल्कुल ये इसका अपना डेटा इसको भेज रही है, ये अपना डेटा इसको भेज रहा है, किसी से किसी का कोई लेना देना नहीं। सो इट कैन मैनेज हाई ट्रैफिक एज मल्टीपल डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट वर्क साइमल्टेनियसली। सो देखिए क्या होगा कि इसके अंदर इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं, क्योंकि नोट, क्योंकि सामने दोनों को बात करनी है, 50 बंदों से आपको बात नहीं करनी है, है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट है, जितनी बात होगी हम आपस में कर लेंगे, और आपका ट्रैफिक कहाँ से जनरेट होगा, हाई ट्रैफिक आपका मैनेज हो जाएगा यहाँ पर। अगर बहुत सारे कंप्यूटर हैं, 100-150 हैं, तो क्योंकि सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, किसी को किसी से लेना नहीं देना, रोबस्ट है, ठीक है, सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, डायग्नोस करना ईजी है। अगर इन दोनों में ही दिक्कत है तो बाकी तो नहीं ख़राब होंगे ना। सो इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि तारे तारे हो जाएंगे, फिर संभालना बड़ा मुश्किल होगा जब बड़े लेवल पर हो जाएगा। बल्क वायरिंग इज़ रिक्वायर, है ना। सो केबल का कॉस्ट है जो पड़ता है, अगर आप महंगी केबल यूज़ कर रहे हो तो उसका फ़र्क पड़ेगा। इसलिए हम एग्जांपल ऐसा समझ सकते हैं कि देखो ऐसा है कि आपके पास में 2 प्रिंटर है, ठीक है। अब ये एक हमारा सिस्टम है, एक इधर है, तो अब क्या होगा, इसको अब हमने इसके साथ जोड़ा, इसको भी जोड़ा, इसको भी जोड़ा, अब ये भी जुड़ रखा है, ये भी इसके साथ जुड़ रखा है, ये भी। तो अब यहाँ पर क्या है, इसके साथ में 2 प्रिंटर किस काम के हैं, इसमें तो एक ही काफ़ी है, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये फिर आपकी कॉस्ट बढ़ा रहा है यहाँ पर, कोई एफिशिएंसी यहाँ पर मान लो कह लो कि कुछ नहीं बन रही है, तो आपकी कॉस्ट यहाँ पर बढ़ रही है, और फालतू की चीज़ हो रही है कि इसके साथ में 2 प्रिंटर, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये इस तरीके से थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, और सिक्योर तो है ही क्योंकि सब एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया, किसका, मैश टॉपोलॉजी का बेसिकली, राइट। तो आप अपने नोट्स है जो यहाँ पर बना सकते हो, हम अपनी फ़ोटो को थोड़ा सा साइड में कर देंगे ताकि प्रॉब्लम ना आए आपको नोट्स बनाने में, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल समझ सकते हो पार्शियली मैश का, जिसमें आपको जितनी ज़रूरत है आप उतने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो, फुल मैश के अंदर सबको कनेक्ट करना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। तो ये MCQs हैं जिनको हम लोग आज की डेट में तो खैर स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर चलते हैं बच्चा, अलविदा लेते हैं आप लोगों से, एंड आप लोगों के काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं नेटवर्किंग के। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई में आप लोगों की हेल्प हो रही है, तो बिल्कुल यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी देखो रात के आई थिंक 2 बजे होंगे मेरे ख्याल से, है ना, तो मतलब दिन भर पूरी क्लासेस रहती हैं। सो आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया हुआ था, क्योंकि आप लोग डिमांड पे डिमांड कर रहे थे कि भाई नेटवर्किंग। सो सोचा कि यार ऐसे तो टाइम मिलेगा ही नहीं, है ना, थोड़ी सी नींद को त्यागना है जो पड़ेगा। तो अब रात को आप लोगों का ये लेक्चर है जो बनाया जा रहा है, एंड चलिए फिर अब इसको देखेंगे, थोड़ा बहुत अगर बीच में नींद आती है तो बीच में थोड़ा रुक जाते हैं, है ना, फिर थोड़ा सा स्टार्ट होकर के पानी वानी पी के फिर पढ़ाते हैं, तो फिर वो उसकी एडिटिंग थोड़ी देखनी पड़ेगी, और फिर जा कर के आपका है जो अपलोड कर करके फिर है जो सोएंगे। और यार मेहनत पूरी जारी है, यानी कि मेहनत अगर आपकी जारी है तो मेहनत हमारी भी जारी है, और हम चाहेंगे कि आपकी भी हमारे साथ जारी हो, क्योंकि वही तो एक रंग है जो लेकर के आएगा।
है ना। तो चलिए फिर रंग है जो हम मिलकर के हैं जो भरेंगे हमारी मार्कशीट के अंदर। और चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिल रहे हैं। सो बाय बाय बच्चा।